हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ख्वाहिश। तो कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में मैंने ग्रामर पार्ट में नाउन जो है वो मैंने शेयर की थी आपके साथ, नाउन टॉपिक और विथ वर्कशीट आपके साथ मैंने शेयर किया था, जिसमें मैंने बेसिक जो नाउन का कॉन्सेप्ट है वो मैंने शुरू किया था। तो यहाँ पर भी मैंने क्लास फर्स्ट ग्रामर का ही सीरीज से ही ये दूसरा टॉपिक है आज, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये होता क्या है, जैसे अगर हम लेटर्स की बात करें, ए टू जेड होते हैं लेटर्स लाइक इस तरीके से। तो इसको जो सीक्वेंस में होता है लाइक ए बी सी डी ई एफ, ये जो कहलाते हैं ए टू जेड, ये होते हैं ऑर्डर। इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या ए बी सी ऑर्डर बोलते हैं। तो फर्स्ट हम इसे कवर करते हैं, जो सेकंड है वो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर जो है हम वर्ड्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पर वर्ड्स में भी हमें पहले, इसमें भी रूल्स होते हैं कि जो फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट्स होता है किसी भी वर्ड्स का, जो पहला लेटर होता है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं। तो जो लेटर्स में सबसे पहले आएगा वो पहले आ जाता है, वो वर्ड्स पहले आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि लेटर्स की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। अगर फर्स्ट वर्कशीट देखें तो वो है राइट इन करेक्ट ऑर्डर, लेटर इस फॉर्म में होंगे। तो यहाँ बच्चे को देखना है ओ सी एस और एल में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है ए बी सी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आता है पहला जो लेटर है वो सी आता है, सी के बाद आता है आपका एल, फिर आपका आएगा ओ, फिर आएगा एस। अगर ए टू जेड आप पढ़ते हो इस तरीके से, इस तरीके से इस वाले में देख लेते हैं, तो पहले आएगा बी, फिर आएगा ई, फिर एम और फिर लास्ट में आएगा जेड, अकॉर्डिंग टू ए टू जेड। तो आप जब लेटर्स बच्चों को इस फॉर्म में देते हैं तो बच्चे को क्या करना है, जब लेटर्स को उसको पढ़ना है और उसकी जो करेक्ट ऑर्डर है उसे ऑर्डर में इस तरीके से लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम बच्चों को, शुरू से ही आफ्टर और बिफोर और बिटवीन अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कराते हैं, इसलिए ताकि बच्चों को पोजीशन पता हो कि किस लेटर के बाद कौन सा लेटर आता है। लाइक ई के बाद जो लेटर आता है वो एफ आता है, तो ये भी एक ऑर्डर को ही दिखाता है कि बच्चों को ऑर्डर में कैसे लिखना है। तो ये चीज़ें बच्चों को हम स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कराते हैं। अब यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्ट अल्फ़ाबेट इन ए बी सी ऑर्डर। यहाँ पर बच्चों को लेटर्स जो हैं उन्हें ए बी सी की फॉर्म में कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट ए बी सी में ए आता है, ए के बाद बी आता है, बी नहीं है फिर सी। बच्चा बी अगर नहीं है तो सी से कनेक्ट करेगा, सी के बाद डी, डी नहीं है तो ई, ई के बाद एफ, जी, जी भी नहीं है, एच है। तो इस तरीके से बच्चे को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो आप ऐसा नहीं कि पूरे 6 लेटर्स आपको देने हैं, आप 10 लेटर के साथ भी ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ए ग्रेड के बच्चे को, फर्स्ट ग्रेड के बच्चे को। देन यहाँ पर है राइट बिफोर एंड बिटवीन नंबर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ऑर्डर्स हैं ये बच्चों को कराए जाते हैं, तो इस तरीके से आप उन्हें प्रैक्टिस कराएं। अब जो सेकंड वाला हमारा ऑप्शन था, अल्फ़ाबेट ऑर्डर इन वर्ड्स, वर्ड्स में कैसे आपको कराना है। लेटर्स की प्रैक्टिस हम करते आ रहे हैं तो वर्ड्स की बात कर लेते हैं। अरेंज द वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर वर्ड्स हैं सैट, कैट, मैट और हैट। अब स्टार्टिंग आप 2-3 लेटर वर्ड से करें ताकि बच्चा ईजिली समझ भी सके। फर्स्ट लेटर बच्चे को देखना है, ये एस है, ये सी है, ये एम और ये एच है। तो ए बी सी के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, तो बच्चा ए बी सी, सी पहले आएगा, यानी ये वाला फर्स्ट हम लिखेंगे। उसके बाद इन तीनों वर्ड्स में पहले कौन सा लेटर आएगा, अगर फर्स्ट लेटर की बात करें तो एच वाला पहले आएगा यानी हैट। एम और लेटर एस में कौन सा पहले आएगा, तो लेटर एम पहले आएगा, मैट और सैट क्या हो जाएगा लास्ट में। तो ये ऑर्डर में है, ठीक है, अरेंज करके हमने यहाँ पर इस फॉर्म में लिख दी। तो इस तरीके से मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है, आप पीडीएफ लेके बच्चों के साथ प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो यहाँ वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही मैंने ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर किया कि बच्चे की जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसको लेके अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। फिर क्या है, सर्कल द वर्ड दैट कम फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर क्या है, सर्कल करना है वर्ड्स को जो सबसे पहले लेटर्स में आते हैं, अल्फ़ाबेट में आते हैं। जैसे बी, बच्चे को फर्स्ट जो लेटर है उसे हाईलाइट करना है, सी और ए। तो ए बी सी के अकॉर्डिंग ए वाला लेटर पहले आएगा, तो हम यहाँ पर इस चीज़ को, इसको सर्कल करेंगे। फिर पी है, एच है, वाई और एफ है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो यहाँ एफ यानी फैन, ये वर्ड सबसे पहले आएगा। तो इस तरीके से आप बाकी वर्ड्स की प्रैक्टिस कराएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अरेंज द वर्ड इन ए बी सी
ऑर्डर बेस्ड ऑन द फर्स्ट टू लेटर्स, यानी कि अब पहले तो हमने देखा जो शीट थी उसमें फर्स्ट लेटर सेम आ रहा था, अभी हमें क्या करना है, हमें सेकंड लेटर देखना है। जैसे मान लें कि सारे जो वर्ड्स हैं वो एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर कैसे करना है। तो हमने देखा कि ये सब सी से स्टार्ट हो रहे हैं, ओके। तो नेक्स्ट जो अगला लेटर है यानी यू ए ओ और एल, अब इनको हमें देखना है कि कौन सा लेटर पहले आता है। तो अकॉर्डिंग टू ए बी सी ऑर्डर पहले आएगा ए, तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर में होगा वो कैट हो जाएगा। ए के बाद फिर आता है एल यानी सी एल ओ सी के क्लॉक आएगा, फिर हमारा आएगा यहाँ पर ओ, फिर यहाँ पर आएगा ये ओ, क्योंकि एल के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है बी सी के अकॉर्डिंग ओ वाला आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट, लास्ट में होगा कप। इस तरीके से अगर हमारे फर्स्ट लेटर सेम हैं तो सेकंड लेटर के हम ऑर्डर को देखेंगे कि जो भी वर्ड्स के सेकंड लेटर हैं उसमें ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे। थर्ड देख लेते हैं इसी में ही। थर्ड में क्या होता है कि अरेंज ईच ऑफ द सेट ऑफ द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन द फर्स्ट थ्री लेटर्स। अब यहाँ टू लेटर्स सेम होंगे, थर्ड लेटर को हमें देखना है और उसको क्या करना है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना है। तो वन बाई वन आप पहले फर्स्ट लेटर वाला दे, फिर सेकेंड लेटर और फिर जो थर्ड जो लेटर्स आते हैं वैसे करके दे। तो यहाँ पर जी ए आप देख रहे हैं तीनों में सेम है, तो अब एक ही बात क्या आ रहा है टी, यहाँ एस और यहाँ एम आ रहा है, तो ए बी सी के अकॉर्डिंग पहले क्या आएगा, पहले एम आएगा यानी जी ए एम ई गेम फर्स्ट हो जाएगा, फिर दूसरा जो आएगा एस आएगा ना, तो सेकेंड जो आएगा वो है जी ए एस पी, क्योंकि एम के बाद एस आता है फिर एस के बाद आता है टी वाला लेटर, तो यहाँ पर जी ए टी। तो इस तरीके से आप देख के थर्ड जो लेटर्स है उसको इस तरीके से प्रैक्टिस कराएं। लास्ट देख लेते हैं स्कूल वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर 10 स्कूल वर्ड्स हैं, यानी जो स्कूल में वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, डेस्क टीचर नोटबुक, उसको मैंने लिखा है। यहाँ बच्चे को ए बी सी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर के सामने उन्हें लिखना है कि सबसे पहले कौन सा जो वर्ड्स है वो आएगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये बच्चों के साथ आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप टीचिंग। थैंक यू।